अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, अगर आपको भी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आप इसके लिए रोजाना मेडिसिन यानी दवाई खा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट का रहने वाला है और उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो कोलेस्ट्रॉल के लिए या नसों में ब्लॉकेज के लिए दवाई नहीं खाना चाहते। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं कुछ ऐसी चीजों की जानकारी देने वाली हूँ जो कि आपको आपके किचन में मिल जाएंगी और किस तरह से सेवन किया जाए कि ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर दे। दोस्तों हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जान लेते हैं वो कौन से फूड्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देगी, यानी कि LDL को बाहर कर देगी और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बॉडी में बढ़ा देगी। क्या आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाए तो क्या होगा? ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होने वाला एक ऐसा प्लाक है जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम जानते हैं। ये प्लाक हमारी नसों के अंदर हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर देता है और खून के प्रवाह को रोक देता है। अगर टांगों के अंदर खून का प्रवाह ऐसे ही रुक जाए तो वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है, और अगर हार्ट की तरफ से ऐसे ही आर्टरीज के अंदर या नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाए और बुरा कोलेस्ट्रॉल वहाँ रुक जाए तो ये हमारे हार्ट अटैक का रीजन बनता है। और अगर सिर की नसों के अंदर ये ब्लॉकेज आ जाए, आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा हो जाए, तो ये ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। यानी कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अगर वीक करने का कोई चीज काम करती है तो वो है नसों में पैदा होने वाली ब्लॉकेज, जिसे कि LDL कोलेस्ट्रॉल के नाम से, ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा है, जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर करने का काम करता है और हमारे हार्ट को तंदुरुस्त रखने का काम करता है। तो सबसे पहली चीज अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वो है ओट्स और बेरिल, यानी कि जो ओट्स और जो, ये दोनों अनाज बीटा ग्लूटोन से भरे होते हैं जो कि एक प्रकार का सोलेबल फाइबर है जो पेट में जाकर बुरे कोलेस्ट्रॉल को जोड़ता है और बॉडी से बाहर कर देता है, और उसे शरीर से बाहर इस तरीके से करता है कि बॉडी को किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। काफी रिसर्च से ये चीज सामने आ चुकी है कि जिन भी चीजों के अंदर बीटा ग्लूकोन पाया जाता है वो LDL कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बाहर करने का काम करता है। तो आप सबसे अच्छी चीज ये है कि ओट्स हो या जो हो, इसका सेवन आपको सुबह के टाइम ही करना चाहिए, यानी कि नाश्ते के अंदर ही आपने जो है या फिर ओट्स है इनका सेवन करना है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है नट्स, खासतौर पर आलमंड और वॉलनट, यानी कि अखरोट और बादाम। ये दोनों नट्स जो है मोनो और पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर देते हैं। रोजाना अगर ये दोनों नट्स अगर आप भिगोकर सेवन करते हैं तो ये LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी ये है कि HDL कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इसका सेवन आपको सुबह के टाइम ही करना है। नट्स के बाद जो तीसरी चीज की बारी आती है वो है दोस्तों ग्रीन टी। ग्रीन टी न केवल आपकी बॉडी को तरोताजा करती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करती है, ट्राइग्लिसराइड को बॉडी से बाहर करती है, ये ग्रीन टी हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करती है। दिन में कितनी बार लेनी चाहिए, ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, तो दिन में आप 2 बार ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं ताकि बुरा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली आपकी बॉडी से बाहर होता जाए और आपकी बॉडी भी डिटॉक्स रहे। और लास्ट में जो चीज आपको बताने जा रही हूँ उसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आगे चलने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अगर आप बहुत मोटे हैं, अपने आइडियल वेट पर आना चाहते हैं, आपको भी पता है मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण है, या बहुत पतले हैं अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिखकर भेजिएगा। दोस्तों लास्ट चीज जो आती है वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन में अच्छी मात्रा में एलिसिन होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है, बॉडी से बाहर करता है। लेकिन इसका सेवन हमेशा 2 कली से ज्यादा नहीं किया जाता। इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इसके एलिसिन प्रॉपर्टी को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप इसे छील लीजिए और काट लीजिए। काट कर इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि खून को पतला करती है, ब्लड के फ्लो को सही करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर करती है। फिर आप इस कटी हुई लहसुन को गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। ये पावरफुल चीजें अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर ली तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे इस कोलेस्ट्रॉल के लिए या फिर नसों में ब्लॉकेज के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़े। इसके अलावा ध्यान रखिए, आपको 30 मिनट की वॉक जरूर करनी है, तेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
30 मिनट की 30 मिनट की वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि शरीर को वार्म अप करती है, गर्म करती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा स्ट्रेस से दूर रहिए, तनाव से दूर रहिए। तनाव चिंता जो है, चिंता करने वाले लोगों को बीमारियां वैसे भी ज्यादा घेरती हैं। अपने लाइफस्टाइल को, अपने सोने उठने के समय को निश्चित कर लीजिए कि आपने 10 बजे सो जाना है तो 10 बजे सो जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाना है तो 6 बजे उठ जाइए। अपने समय को निश्चित कर लीजिए, ये ना हो कि हम तो 11 बजे उठते हैं तो 11 बजे का समय निश्चित हो गया, रात को 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे का समय निश्चित हो गया। ऐसे नहीं, जब आप रात को देर रात तक जागते हैं, ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र काफी स्लो हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। फिर उस कंडीशन में चाहे आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं या बहुत फाइबर वाला खाना खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर फाइबर भी नहीं पचता। दोस्तों, ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।